हो गया। इज द थिंग्स क्लियर? इज द थिंग क्लियर? दिख रहा है ना चीजें? हाँ दैट इज फाइन। सो यो एज आई सेड दैट दिस पार्टिकल्स इनसाइड द स्ट्रिंग आर वाइब्रेटिंग सो फास्ट, वो अपनी मेन पोजिशन पे इतना फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं कि वॉट यू कैन ऑब्जर्व इज समथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। ओके, ईच ऑफ देम इज परफॉर्मिंग अ SHM, as you have observed it in the pendulums, वो अलग अलग पेंडुलम के बॉब को अलग अलग पार्टिकल्स कंसिडर करो। इमेजिन देम एज अ पार्टिकल। जब सारे स्ट्रिंग को आपने एक एनर्जी पास आउट की, हुआ क्या, हर पार्टिकल SHM परफॉर्म करना स्टार्ट किया, बट उनके लेंथ अलग अलग रखे हुए थे, इस वजह से हर किसी का टाइम पीरियड अलग अलग था। बट जैसे ही वो एक टाइम इंटरवल के लैग में, जब उनका टाइम इंटरवल फिक्स हुआ, यू कैन ऑब्जर्व कि अगर हम उसको ध्यान से देखते तो हमको क्या समझ में आता कि कोई एक ही पार्टिकल है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट। अभी तो हमको पता है कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, बट अगर उनका स्पीड और ज्यादा फास्ट होता तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि अलग अलग पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको लगता है एक ही पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर इस वेव में पास आउट हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ व्हेन द वेव पासेस थ्रू अ स्ट्रिंग और अ मीडियम, all the particle starts performing SHM at their particular point. Okay, so ab har particle ko ye bol sakte ho ki each and every particle is performing an SHM. That is simple harmonic motion. That's why this collective result is also, since each and every one is performing an SHM, so collective result bhi SHM ka hota hai. That is why when you will study the wave ka equation, when you will study the characteristic of a wave, you will find that somewhere it is matching with the SHM, because it is a resultant of an SHM. बहुत सारे particles SHM perform करके इस resultant SHM को result कर रहे हैं। Yes? Is there any doubt? Screen freeze है। Screen नहीं दिख रहा है। Freeze है, freeze। मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। It's not freeze. Fine. Yeah, so these are the number of particles which are performing SHM, and collectively we are seeing a wave. Collectively hum ek wave dekh rahe hain. Fine, and this wave have the same property as that of your simple harmonic motion, because it is a resultant of a simple harmonic motion. Aap jo dekhte ho resultant effect dekhte ho, kyunki ye kafi fast hota hai. This is a very fast process. Okay, let's go ahead with the Pratibha ma'am, please recording off kar dijiye. Okay. Let's go ahead with the things now. Now we are going to discuss today is all about representation of a mechanical wave. This we have already studied in your 11th standard, that how we represent a wave. Is cheez ke bare mein humne already 11th standard mein iska mathematical equations padha hua hai. But still again I am going to revise each and every part for you, because it is there in your syllabus. So the next topic after properties of progressive wave is representation of mechanical wave. कि एक mechanical wave को represent कैसे किया जाता है? अगर अब मैं इस diagram की तरफ देखूं, let us consider मैंने एक string लिया और उसको मैंने vibrate करना start किया. Okay, vibration होने के बाद मैंने बोला कि let this, of course यहाँ से energy pass हो जाएगी तो थोड़े time के बाद ये rest पे आ जाएगा. फिर यहाँ से energy pass हो जाएगी तो ये थोड़े time के बाद rest पे आ जाएगा. तो अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बताओ कि इसका वाई पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, इसका वाई पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अगर मैं सिर्फ एक्स लू और दो सेकंड के बाद देखूं तो ये एक्स इसी पॉइंट पे रहेगा, ये वाई का पॉइंट यही पॉइंट पे रहेगा क्या? नहीं, ये वाई नीचे आ जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो ये वाई का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वाई है ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है. ये जो मेरा वाई है
पहली बात मैं कौन से x पे देख रही हूँ, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, मैं कहाँ पर देख रही हूँ, और दूसरा एक और चीज इस चीज को डिफाइन करती है, दैट इज टाइम, मैं कौन से टाइम पे देख रही हूँ, मींस मेरा ये जो y है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इन द y डायरेक्शन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज x, t, कौन से पॉइंट पे, कौन से x पे देख रही हूँ और कौन से टाइम पे देख रही हूँ, दैट ऑलवेज मैटर्स। अगर मैं एक घंटे के बाद देख रही हूँ तो हो सकता है कि किसी भी x पॉइंट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू मैक्सिमम ना हो। ओके, सो एज वी नो दैट वी कैन रिप्रेजेंट अ वेव बाय एन इक्वेशन, y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t। समझाती हूँ ये कैसे आया। ओके, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये SHM जैसा, SHM के डिस्प्लेसमेंट जैसा दिख रहा है, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल इन अ वेव परफॉर्म SHM, तो जो रिजल्टेंट भी होगा वो SHM को ही परफॉर्म करेगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय द इक्वेशन व्हिच इज रिसेंबलिंग एन SHM, a sin of kx minus omega t। अब मैं ये पूरा इक्वेशन समझाने वाली हूँ कि ऐसे ये आया कैसे है। आपको पता है हम साइन क्यों लेते हैं, बिकॉज वी कंपेयर द SHM विद द साइन एंगल, वी नो दैट हाउ दिस इक्वेशन, ये साइन वाला पार्ट और ये ए वाला पार्ट क्यों आया है, दिस ए इज द एम्पलीट्यूड and this is sine of theta, where this theta is your phase constant, sorry theta is the phase. Okay, let's try to understand this whole part inside the bracket. Isko zara samajhne ki koshish karte ki aaya kaise hai, pehle iska resemblance samajhte ki kya kya hai. A is the amplitude, sine is an angle, sine is a function, jis function ke hisab se aapka SHM perform karta hai. Aapko pata hai SHM harmonic motion, harmonic function ko follow karta hai, and sine is a harmonic function. Okay, it behaves like an harmonic function which is sine or cos. K is known as, K के दो नाम है, या तो इसको wave number बोला जाता है, इसके बारे में जरा अच्छे से समझाऊंगी थोड़ा आगे. K is known as wave number, और it is also known as propagation constant. इसको propagation constant भी नाम दिया जाता है. ये क्या है, कैसे आया है, इसके बारे में we will understand further. K is wave number और propagation constant. Okay, x किस point पे बात कर रहे हो, on which point you are talking, that is your x. और x को इस तरीके से भी बोल सकते हो कि it is path difference. ये समझाती हूँ आगे जाके क्या है, फिलहाल इनके नाम समझो. Here this x is किस x point पे बात कर रहे हो, या फिर इसको path difference भी बोला जाता है. जैसे phase difference होता है angle का difference, वैसे ही path difference होता है, that is points का difference. Okay. Next is your, you know what is omega? Omega is the angular frequency. Angular frequency and t is the time. T हमारा time है. Okay. अब मुझे पता है कि मैंने ये k के साथ x क्यों इंट्रोड्यूस किया है, omega के साथ t क्यों इंट्रोड्यूस किया है. मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था कि जब भी फंक्शन के अंदर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, हमको वो इक्वेशन यूनिटलेस करना होता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कभी भी यूनिट कंसिडर नहीं किया जाता. It's always an unitless function. तो सिंपल सा फंडा है कि k का जो भी यूनिट होगा वो x का अपोजिट यूनिट होगा. मतलब अगर x is measured in meters, तो k will be 1/meter. Meter meter will get cancelled and you will get a number. Okay. Omega, you know, it is 1/1 second. Time is what? Second. And angular frequency is radian per second. So second got cancelled, it is become radian. Okay. So this is what is the part that you need to make it unitless. आपको इसको थीटा के फॉर्म में, आपको इसको एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ये पूरा बात साइन ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ एंगल होता है. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज के, व्हाट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, और एग्जैक्टली हम इसके ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दैट इज क्रिएटिंग अ वेव. एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो वेव को क्रिएट कर रहा है. यहां से वेव क्रिएट हुआ एंड इट इज पासिंग अहेड, ये आगे की तरफ पास हो रहा है. ओके, यहाँ पर एक पार्टिकल होगा जो SHM परफॉर्म कर रहा होगा, और यहाँ पर भी एक पार्टिकल होगा जो SHM परफॉर्म कर रहा होगा. मुझे पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा वेव का डिस्प्लेसमेंट, एज यू कैन सी वेव का डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर एक्स डायरेक्शन. ये जो वेव का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर मुझे उस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है, अगर मुझे इसका डिस्टेंस कितने, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करना है, तो मुझे दो चीजों की जरूरत है. एक तो मैं किस टाइम पे देख रही हूँ, इस पॉइंट तक के बारे में अगर मुझे डिस्कस करना है, इस पार्टिकल के बारे में मुझे डिस्कस करना है, तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है. एक तो मैं कौन से एक्स पे देख रही हूँ,
दूसरी बात मैं कौन से टाइम पे देख रही हूँ, दोनों चीजें डिफाइन करने की जरूरत है. ओके सो लेट्स गो अहेड. मैम एक्स की क्यों जरूरत है? अगर मैं एक्स से एक्स लेके बात एक्स की क्यों जरूरत है सिर्फ टाइम लेके बात करूं, ओके तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो टाइम पे सेम होता है. यहां पर और यहां पर अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, करेक्ट है. तो यहां पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो अलग होगी और यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू होगी वो अलग होगी. सो मुझे टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्स की वैल्यू लेकर दोनों लेकर मतलब मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो वाई है इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ. ओके सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल. इस पार्टिकल तक आने के लिए जो वेव का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मुझे कंसिडर करना है. एंड दिस पार्टिकल विल स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM जैसे ही वेव की एनर्जी यहाँ पर पास होगी. ओके नाउ अगर मैं इन दोनों चीजों को ध्यान से देखूं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स. ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज गिवन बाय एक्स. ये जो एक्स होता है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्स पॉइंट ऑफ दिस टू पार्टिकल्स विच इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज पाथ डिफरेंस. इसको पाथ डिफरेंस भी बोला जाता है. ओके अब अगर जरा इन ध्यान से इन दोनों पार्टिकल्स को देखें, लेट अस ड्रॉ टू सर्कल्स हियर. आपको पता है हर पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करता है उसको आप रेफरेंस सर्कल मेथड के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो. लेट अस ड्रॉ अ सर्कल हियर. ओके कंसीडर करो कि ये इसका मीन पोजीशन है, दिस पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन. ओके तो मीन पोजीशन पे है तो ये यहाँ पर दिस इज हियर और ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर है, तो नाउ इट इज नॉट एट द मीन पोजीशन, ये थोड़ा सा ऊपर पार्ट पे है. सो लेट अस कंसिडर कि ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर है. ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट हियर दैट एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स. नाउ आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज के. मैं अब के के बारे में जरा डिस्कस करने वाली हूँ कि ये के होता क्या है, व्हाट इज दिस के. अब मुझे अगर पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के लिए ओके मुझे ये एक्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट आई कैन सिंपली गो फॉर, यू नो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो टाइम विल बी एक्स बाय वी, टाइम जो होगा वो एक्स बाय वी होगा, जितने में तुम्हारा जो वेव है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने वाला है. ओके नाउ अगर मैं फाई डिस्कस करूं कि कितना एंगल कवर हुआ है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, एक बड़ा सा सर्कल कंसीडर करूं, इस चीज को यहां पे देखते हैं जरा. पेपर वाइज इस चीज को यहां देखते जरा. लेट अस कंसीडर दिस इज द वेव. ये मेरे स्ट्रिंग में एक ऑसिलेटर ने वेव क्रिएट कर दिया जो वेव आगे की तरफ पास हो चुका है. ये पार्टिकल पे से ये पार्टिकल के बीच में मुझे y डिफाइन करना है. ओके अब मैं क्या करूंगी, आई ड्रॉ वन सर्कल. मुझे पता करना है कि व्हाट इज सी, यहां से यहां तक के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो फेज डिफरेंस होगा, इफ माय फर्स्ट पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो मेरा फेज डिफरेंस अगर मुझे phi पता करना है कि कितना एंगल कवर किया है यहां से यहां तक में, तो आई कैन सिंपली से इट इज ओमेगा इनटू टी. ओमेगा इज द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम और एंगल ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अगर आप इसको यहाँ पे एक सर्कल रेफरेंस लो, इफ यू टेक अ सर्कल हियर ओवर हियर, सो दिस पार्टिकल इज ओवर हियर और ये पार्टिकल जो होगा ये पर्टिकुलर इस पॉइंट पे होगा. सो यहां से यहां तक के बीच में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट. यहां से यहां तक जाने के लिए मेरे वेव को ओमेगा टी का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है. सो दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस पार्टिकल, कि ये पार्टिकल यहाँ पर मीन पोजीशन पे है और ये पार्टिकल यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे है. ओके सो डिफरेंस जो भी एंगल वो कवर करने वाला है, जो भी फेज वो कवर करने वाला है, सो दिस phi और दिस phi इज रिप्रेजेंटिंग अ फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल. ये phi जो है ये x जो था ये पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितने पाथ का डिफरेंस है. ओके और ये जो phi है ये phi किसको डिफरेंस रिप्रेजेंट करने वाला है, यहाँ पर फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है. ओके नाउ वी नो कि हमने टाइम कैसे कैलकुलेट किया, टाइम कितना रिक्वायर्ड है पाथ डिफरेंस को, इट इज गिवन बाय एक्स बाय वी. लेट सब्स्टिट्यूट दिस हियर. सो phi इज इक्वल्स टू
omega into x by v. Okay, now you know that this is omega and this is your angular velocity or angular frequency and this is your velocity. Okay, now omega is given by 2 pi n into x by v. अब मुझे पता है ये v किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस v को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप n lambda से. v is equals to n lambda होता है, ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है पहले कि v is given by n lambda. So 2 pi n by n lambda into x. Okay, now this n n got cancelled. You got phi is equals to 2 pi by lambda into x, जिसमें this 2 pi by lambda, this represents a wave number or a k. ये जो 2 pi by lambda होता है, this is given by a wave number. This is represented by a wave number, or it is also known as propagation constant. अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ. See, this phi is the kx, that is the final position of my particle. ये point है. Initially मेरा particle कहाँ पर था? इस point पे था. अगर मुझे एक general equation लिखना है, अगर आपको याद हो कि आप जब displacement निकालते हो दो particle के बीच में या distance निकालते हो दो particle के बीच में, तो आप कैसे निकालते हो? You simply go for, अगर आपका एक particle x1 पे है, दूसरा particle x2 पे है, तो आप उनके बीच का distance कैसे निकालते हो? X2 minus X1, that is final minus initial. Finally मेरा जो phi है वो कितना बन चुका है? Finally मेरा phi जो है वो kx बन चुका है. मतलब मेरा जो final angle है वो kx बन चुका है. Correct है? और initial angle, since अभी तो ये mean position पे है, but हो सकता है कि ये mean position पे ना हो, तो we need to represented by a general equation. So I will represent this as general equation. This is also a theta. ये भी तो एक theta. It is performing an SHM. तो ये भी एक एंगल हो सकता है कि मैम मैं कंसीडर करूं ये मीन पे नहीं है, ये ऊपर है, ये अपने एसएचएम के पार्ट पे, ये अपने पॉइंट में, जिस भी पॉइंट पे ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मैं कंसीडर करूं कि ये मीन पे ना है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हो? क्या जनरल इक्वेशन दे सकते हो? वो जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये पार्टिकल जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगा वो एक एसएचएम परफॉर्म करेगा. करेक्ट है? और मुझे पता है एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो कि मीन पे है तो जीरो होगा, मीन से ऊपर गया तो थोड़ा और वैल्यू होगा, उसके ऊपर गया तो थोड़ा कुछ और वैल्यू होगा. मतलब यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट एज ओमेगा टी. सो यू रिप्रेजेंट योर इक्वेशन एज फॉर अ वेव पार्टिकल, फॉर अ वेव पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ फाइनल इज के एक्स. इनिशियल मैंने बोला कि इनिशियल आप किसी ने जो क्या, अभी मैंने इसको मीन पे ले लिया, अगर ये मीन पे नहीं है ये एसएचएम पार्टिकल, पर्टिकुलर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है अपने एसएचएम में, ये कहीं पर भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है अपने एसएचएम परफॉर्म करते समय, कि जब मैंने स्टार्टिंग कंसिडर किया तो हो सकता है मेरा पार्टिकल मीन पे ना हो, थोड़ा सा ऊपर हो, उससे भी ऊपर हो सकता है, एक्सट्रीम पे भी हो सकता है. Because this SHM, this particular part is very small. Okay, so I will represent that as initial condition as omega t minus q liya, final minus initial. Ye omega t is a general equation here. जो ये बताएगा कि आपका particle in starting कहाँ पर है. Okay, जब भी हम experiment consider करते हैं, हम say we are taking t is equals to zero. It means we are stating that our particle at t is equals to zero is at mean position. अगर t is equals to one, थोड़ा सा आगे जाके define करते हैं. तो t is equals to 1 पे आपका पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल कवर कर चुका होगा, t is equals to 2 पे आपका पार्टिकल एक पर्टिकुलर एंगल कवर कर चुका होगा. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग योर होल वेव, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इन वाई डायरेक्शन, दिस पार्ट. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जरा ध्यान से इसको एनालाइज करने की कोशिश करो मैंने क्या समझाया है. कुछ डाउट है तो पूछो. आप ऐसे कर पा रहे हो मैं ये क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली? व्हाई आई हैव टेकन दिस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी मैंने क्यों लिया? दिस इज अ जनरल इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग कि आपका जो पार्टिकल फर्स्ट है वो कौन सा एंगल ऑलरेडी लिया हुआ है. अगर आप टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करो तो आप बोलते हो
कि व्हेन आई एम टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 0 इट मींस माय पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन आई हैव स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन टी इज इक्वल्स टू 1 से लोगे तो आपका पार्टिकल का एंगल कुछ और होगा टी इज इक्वल्स टू 2 से लोगे तो आपका पार्टिकल का एंगल कुछ और होगा सो दिस वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ kx minus omega t is the equation which is representing a wave where kx is the final particle ka angular displacement and omega t is the initial particle ka angular displacement final displacement minus angular initial displacement will give you the total y difference between the these two particles ye dono particles ke beech ka y difference it is explaining kx was the final displacement and this your omega t is the initial angular displacement of this particular particle so in dono ke beech mein mujhe y ka value nikalna hai so final minus initial kiya hai that's all final has been represented by kx and initial has been represented by omega t kyunki jo time mein particle ye jo jab jis time mein aap observation kar rahe ho wo time mein wave itna fast chalta hai ki aap itna chota difference nahi dekh sakte to us particular time mein ho sakta hai ki jab aapka wave पास हुआ है तो वो पार्टिकल किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है सो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ वेव इन ओवर हियर सो दिस वेव इज पर्टिकुलरली गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा t दिस k इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सॉरी फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इज गिविंग यू द y वैल्यू कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क नो डाउट्स आर यू लिसनिंग टू मी ओके सो वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अब जरा ध्यान से समझो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में समझाया था कि अभी मेरा जो वेव है अभी जो पार्टिकल है मैं कहां से कहां कंसिडर कर रही हूँ मेरा वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है जब कोई चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो आप x2 माइनस x1 करते हो वहीं पे कोई चीज नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो आप क्या करते हो इट इज x2 माइनस ऑफ माइनस x1 सो दिस बिकम्स x2 प्लस x1 करेक्ट है तो अगर आपका वेव जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो योर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a sin ऑफ kx प्लस ओमेगा t मतलब आपको ये प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करना है कि अगर ये माइनस दिया है बीच में it is x2 minus x1 means wave is moving towards positive side and it is agar wo x2 minus x2 plus x1 hai it means x2 minus of minus x1 means your wave is going towards negative side this is your representation your wave is coming from negative side okay ye ulte side se aa raha hai ye seedhe side se aa raha hai to jab ye seedhe side se aata hai positive side se aata hai it simply x2 minus x1 hota hai वहीं पे जब ये नेगेटिव साइड से आता है तो इट बिकम्स x2 माइनस ऑफ माइनस x1 दैट बिकम्स x2 प्लस x1 होप यू आर क्लियर विद दिस टू पर्टिकुलर इक्वेशंस आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में वेव के वेव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ और जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखती हूँ अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ बिकॉज ये जो इमेजिनेशन है वेव का इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप हर पार्टिकल आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि मैम जैसे आपने इस पार्टिकल के लिए बोला कि ये पार्टिकल पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे हो सकता है इट कैन बी एट द मीन इट कैन बी एट द एक्सट्रीम यही कंडीशन इसके लिए भी हो सकता है बट यहाँ पे हम कलेक्टिव देखते हैं और कलेक्टिवली हमको पता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं दिस इज द एक्सट्रीम पोजिशन मुझे ये पूरा अगर ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन तब नेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हेलो इज एम ऑडिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन जब आपने उस पेंडुलम को देखा वो पेंडुलम जब एक ग्राफ बना रहा था इज द स्क्रीन फ्रीज वट एवर आई एम राइटिंग इज इट विजिबल इज इट पॉसिबल
Okay, so here this is the way to represent a wave that is given by y is equals to a sine of kx minus omega t. अगर वो positive side से आ रहा है या अगर वो opposite side से आ रहा है तो it is given by y is equals to a sine of kx plus omega t. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि minus मतलब वो positive side की तरफ से आ रहा है और plus मतलब वो negative side की तरफ से आ रहा है. And it is represented by the equation y of sine of kx minus omega t, where a is something called as your propagation constant or wave number, x is your, what we can say, it is the point at which you are observing, or it is a path difference between those two particles jinke beech mein aap wave dekhne wale ho. Omega is the angular frequency and t is the time. Agar aapko ek aur cheez introduce karni hai ki ma'am mera jo particle hai वो t is equals to zero पे, it is not at the mean. मेरे को बोलना ही नहीं है कि वो mean पे है. Okay, so what I, how I will represent the wave? If I want to say कि मैंने जो ये particle, ये जो मेरा reference point लिया है, जिससे मैं मेरा final displacement देखने वाली हूँ wave का on the y axis. अगर मेरे को बोलना है कि नहीं मैम, मेरे को consider ही नहीं करना है कि ये t is equals to zero पे mean पे है. मुझे consider करना है कि ये t is equals to zero पे mean पे नहीं है. It is making some angle phi. Or it is making some angle, extra angle. So how should I represent? So agar let us consider ki ye particle pehle se hi ek alpha angle bana raha hai. At t is equals to zero mean pe nahi hai. To aap kaise equation represent karoge aapke wave ka? Matlab aapko wo extra alpha har bar introduce karna padega. Aur aapka jo equation hai wo ban jayega y is equals to a sine of kx minus omega t plus alpha. Iska matlab ye hai ki jab aap yahan pe t is equals to zero daloge तो ये अल्फा स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, जो ये बताएगा कि जिस पॉइंट को आपने रेफरेंस लिया है वो पॉइंट मीन से शुरू नहीं हो रहा है, वो पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर एंगल से शुरू हो रहा है. एंड हियर दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. क्या अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया है कि नहीं मेरा जो फर्स्ट रेफरेंस पार्टिकल है जहां से मैं डिस्प्लेसमेंट देखने वाली हूँ उसको मेरे को कंसिडर करना है कि नहीं मैम वो मीन पे है ही नहीं, टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, वो एक 30 एंगल से शुरू ही हो रहा है, मैंने ऑब्जर्वेशन ही 30 एंगल से शुरू किया है, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई विल ऑलवेज इंट्रोड्यूस दैट एक्स्ट्रा 30 ऑन द साइड. मैं प्लस 30 करके दिखाऊंगी कि मेरा जो पार्टिकल है t is equals to 0 30 पे था, तो अगर मैं इसको t is equals to 0 डाल दूं तो स्टिल दिस 30 इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 पॉइंट 30 डिग्री. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेव. ओके, उसी तरीके से I'm just explaining you the representation of a wave. अगर मुझे इस particular points पे देखना है, ये particular point के बीच का difference देखना है, मैं इन दोनों के बीच में भी देख सकती हूँ, इन दोनों के बीच का भी wave representation कर सकती हूँ. Path difference दोनों के बीच का क्या होगा? This will be the x point. Correct? ये इनका path difference होगा. Path difference आपको पता है कैसे निकालते हैं? अगर ये 5 पोजीशन पे है और ये 3 पोजीशन पे है तो यू विल सिंपली गो फॉर 5 माइनस 3, मतलब इनके बीच का x is 2. अब मुझे पता करना है कि इसका kx क्या है. आपके पास x है, आपको k की वैल्यू ऑलरेडी नॉर्मली दे दी जाएगी क्योंकि अगर आपको वेव का लैम्डा पता है तो k किससे निकाला जाता है, k इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा. करेक्ट है? सो it will be simply 2 pi by lambda into x. Correct? X आपको पता चल गया 2 है, 2 pi by lambda. Lambda आपको पता होगा एक wave का आपका particular wavelength कितना है. आपको अब ये पता करना है कि ये particle कहाँ पर है. So हो सकता है कि जब आपने इस particle को as a reference point लिया, इन दोनों particle के बीच में आप wave represent कर रहे हो, तो at t is equals to जिस भी time पे आप देख रहे हो, you will simply introduce that time here. Omega is the angular frequency. किसी भी वेव के एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है. अगर आपका स्टार्टिंग से यहीं से कोई लैग होगा, जो लैग यहाँ पे होगा वो पूरे हर एंगल को, हर पार्टिकल को वो लैग मिलने वाला है. अगर यही पार्टिकल 30 डिग्री से शुरू हो रहा है तो वो 30 डिग्री का लैग हर पार्टिकल के पास जाएगा. आपने अपना ऑब्जर्वेशन अगर 30 डिग्री से शुरू किया है तो वो लैग आपको हर पॉइंट में देखने के लिए मिलेगा. सो यू विल इंट्रोड्यूस दैट 30 ईयर, क्यों आप ये बताओगे कि पहला ही जब पार्टिकल है उसने ही लैग इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है. मेरा ऑब्जर्वेशन ही लैगिंग से शुरू हुआ है,
क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन तो यहीं से स्टार्ट होता है, भले अभी हम निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो ये जो लैग आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे वो लैग हर जगह इंट्रोड्यूस होने वाला है। हर बार आप बोलोगे कि मेरा पहला पार्टिकल जब मैंने शुरुआत किया देखना तब मेरा पहला पार्टिकल 30 पे था ही नहीं, 0 पे था ही नहीं, 30 पे था। तो वो 30 हर में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि आई हैव स्टार्टेड योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30, सो यू सिंपली इंट्रोड्यूस द टाइम, किस टाइम पे आप देख रहे हो, दिस ओमेगा टी इज रिप्रेजेंटिंग किस किन दोनों का आप कंपेयर कर रहे हो। ओके, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस ओमेगा टी ओवर हियर, सिंपली आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हो। सो इट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इसका ओमेगा टी निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे, एक सर्कल सामने ड्रॉ करो, रेफरेंस से देखो उसका एंगल कितना है। अगर आपने इस पॉइंट को रेफरेंस रखा है, इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट को रेफरेंस रखा था इस पार्टिकल को देखने के लिए, तो अगर इसमें 30 का लैग है तो कहीं ना कहीं वही 30 का लैग यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा। ओपन अंडरस्टैंडिंग, 30 डिग्री से एनर्जी आगे पास हुई है, अब 30 डिग्री से ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर रहे हो तो 30 डिग्री हर पॉइंट पे इंट्रोड्यूस होगा। सो योर पर्टिकुलर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a sin ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा, जिसमें kx इज द फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस पार्टिकल का आप देखोगे, ओमेगा t इज द इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड अल्फा जो लैग पहले से इंट्रोड्यूस होता आ रहा है, जो फेज कॉन्स्टेंट पहले से इंट्रोड्यूस होता आ रहा है। आपको वो सामने से बोलेगा कि व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग योर वेव हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 30 डिग्री, आपने 30 डिग्री के बाद के ऑब्जर्वेशन देखे हैं, तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री इंट्रोड्यूस करोगे कि पहले वो 30 डिग्री था, भले मैंने वो ऑब्जर्वेशन 30 डिग्री के बाद शुरू किया है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेव, समझ में आ रही है सारी चीजें, क्लियर विद द पार्ट? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। कुछ होमवर्क दिया है हमने, मैं आपको एक इक्वेशन बता दिया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई ऑफ के ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, अगर एक लैग है तो, मैं लैग कंसिडर नहीं कर रही हूँ, इसको के एक्स प्लस ओमेगा टी भी बोल सकते हैं अगर आपका वेव कुछ इस तरीके से जा रहा है उल्टा ऐसा। अभी मैं वेव का डायरेक्शन ये कंसिडर कर रही हूँ, अगर आप उल्टा कंसिडर करो, नेगेटिव साइड में आपका वेव जा रहा है या नेगेटिव साइड से वेव शुरू हो रहा है, अगर वेव का डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव साइड से वेव जा रहा है। ओके, सो यू कैन रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन बाय दिस, दिस इज जस्ट एन साइन रिप्रेजेंटेशन, इसको ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ में ऐसा बोला जाता है, अगर सीधा जा रहा है तो वी सिंपली से एक्स टू माइनस एक्स वन, अगर उल्टा जा रहा है तो वी से एक्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स वन, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, नाउ यू नीड टू प्रूव सम इक्वेशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अलग अलग फॉर्म है इक्वेशन के, आपको प्रूव करने वाले हो। ए साइन ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ टू पाई बाय लैम्बडा वी टी माइनस एक्स, एंड वी इज इक्वल्स टू सॉरी वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ टू पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारे फॉर्म्स इसी से आए हुए हैं। आपको ये सारे फॉर्म्स प्रूव करना है, कुछ कॉमन करना है, कुछ अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ये चीज ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, कुछ इंट्रोड्यूस करना है, कुछ कॉमन करना है, और इनको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, ये आपको प्रूव करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, आई विल सी टुमारो, यू नीड टू डिस्कस दिस। ओके, सो इस पर्टिकुलर वेव इक्वेशन के हेल्प से आप ये सारी तीनों के तीनों इक्वेशंस को प्रूव करोगे, यू विल प्रूव दिस थ्री ऑफ द थिंग्स। सो दिस वाज द मैकेनिकल रिप्रेजेंटेशन सॉरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव वेयर दिस के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव नंबर, एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जहां पे आप वेव्स को देखने वाले हो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द टाइम। इस तरीके से भी बोल सकते हो, दिस इज फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसके बीच में आपको वाई की वैल्यू देखनी है। अगर एक एक्स्ट्रा फाई इंट्रोड्यूस हुआ है पहले से तो आपको हर बार एड करके दिखाना है कि एक एक्स्ट्रा फाई इंट्रोड्यूस हुआ है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स अहेड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करती हूँ, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स।
यहां तक किसी को कुछ डाउट है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन में किसी को कुछ डाउट है? तो कल वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर्स 15 मिनट्स अर्लियर ओनली, तो आप वहां पर आके लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पूछ सकते हो. इस चैप्टर में अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप नेक्स्ट डे आके पूछ सकते हो. एज ऑलवेज आई गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. नाउ वी नो दैट की देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकेंड वन इज योर लॉन्जिट्यूडनल वेव. इन दोनों का रिफ्लेक्शन देखना है हमको फ्रॉम रेयरर एंड डेंसर मीडियम. अगर मेरा एक वेव पास हो रहा है whether it is transverse or longitudinal, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर मीडियम को जाके स्ट्राइक करता है तो उसका रिफ्लेक्शन होते वक्त उस वेव के साथ एग्जैक्टली होगा क्या. सो इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट आई टॉक अबाउट द ट्रांसवर्स वेव. आपको पता है व्हाट इज रेयरर मीडियम एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम. रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है? रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जो बहुत ही ज्यादा जिसमें डेंसिटी बहुत कम होती है, जो लेस डेंस होता है. डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जो कि बहुत ज्यादा डेंस्ड होता है, बहुत ही ज्यादा टाइट होता है. उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास में होते हैं, क्लोज होते हैं. दोज आर कॉल्ड एज डेंसर मीडियम. अगर आप पानी को एयर से कंपेयर करो तो योर वाटर इज अ डेंसर मीडियम, योर एयर इज अ रेयरर मीडियम. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछ सकते हो, प्लीज आस्क. अमन, आयुष और अदर स्टूडेंट्स प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट कि मैम केएक्स कैसे आया, हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ केएक्स.